ओके जनाब, तो अब हम टेस्ट कर रहे हैं हमारी हुंडई। डॉक्टर साहब आपको थोड़े ऊंचा बोलना है। तुम्हें बड़ा, तुमने मेरी आवाज दबा के रखी है, निकलती ही नहीं है मेरी आवाज। निकलेगी कैसे? निकलने नहीं निकलती किधर? तो सीन ये है कि हम लोगों ने पहले टेस्ट की थी आयोनिक 5 प्योर इलेक्ट्रिक और बिल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल, और अब हम टेस्ट कर रहे हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट ये है प्लग इन हाइब्रिड। Assalamualaikum, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? आज हम जाएंगे लॉन्ग 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 ड्राइव पे, और वो भी न्यू कार में, और करेंगे ड्राइव इस कार को और कुछ बताएंगे अच्छी अच्छी बातें इस न्यू कार के बारे में आप सबके साथ, और इसकी ड्राइव कैसी रही और इसकी क्या प्राइस है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, और इसके सारे फीचर्स और सब कुछ बताएंगे मेरे हबी, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है, मुझे तो बस वही बात है इन्जॉय करना आता है, और मैं साथ साथ इन्जॉय कर रही हूँ, और वेदर इतना ही प्यारा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो लॉन्ग ड्राइव के साथ जब वेदर भी प्यारा हो ना, तो क्या। सो हियर वी गो, ओवर टू माय हस्बैंड, वो आप सबको गाइड करेंगे, कुछ बातें बताएंगे, जो कुछ रह गया वो भी आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। हम टेस्ट कर रहे हैं प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल को, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्राइसेस में या फाइनेंसिंग में इतना डिफरेंस ज्यादा नहीं है, है तो सही बट इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हमारी रिक्वायरमेंट्स जो चल रही है वो ये है कि हमें एक एसयूवी चाहिए, क्योंकि हम एसयूवी से आए हैं, तो एसयूवी ही सूट कर रही है फैमिली को। बट ओवरऑल फीचर्स आयोनिक 5 के सुपर्ब हैं, बड़ी ज़बरदस्त रेंज दे रही है, बड़ी आपको इकोनॉमिकल पड़ती है, घर से आप चार्ज करेंगे बड़ी ज़बरदस्त पड़ रही है। ये जो प्लग इन हाइब्रिड है ये आपको तकरीबन एक फुल चार्ज में प्योर इलेक्ट्रिक 48 किलोमीटर्स में चार्ज किया तो दिख रही है, ये जो यहाँ दिखा रहे हैं, हाँ मतलब 48 किलोमीटर्स की रेंज देती है प्योर इलेक्ट्रिक। तो जब आप इसको प्लग इन हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड मोड में चला रहे हैं, ऑटोमेटिक हाइब्रिड मोड में, तो फिर हम देखते हैं आज इसके लिए कितना करना है। कल हमने ये देखा था कि हमें 48 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक रेंज देखे, और फिर हमें इस पर 7.5 लीटर पर 100 किलोमीटर की पेट्रोल एवरेज दी है, जो कि हमें अगर हम देखे जाए डबलिन का चक्कर आना जाना, तो हमें ये गाड़ी पेट्रोल पे आयोनिक 5 से 35 यूरो महंगी पड़ेगी पर ट्रिप। तो अगर मंथली हम इस तरह की ट्रिप्स करते हैं तो हमें 150 ऑलमोस्ट पैसे देख रहा हूँ कि हमें इस तरह का खर्चा एक्स्ट्रा आएगा, और 150 ही एक्स्ट्रा, और हमें अब ये फैसला जो है ना हमने मिलके करना है कि हमें ये क्या चाहिए, 300 यूरो बचाने हैं, आयोनिक 5 लेनी है, जो कि कंफर्ट भी है, राइड भी अच्छी है, बचाने वाली तो बात ही नहीं है ना, बचाओ ना, बचा तो सकते नहीं, और हमें आयोनिक 5 में इलेक्ट्रिक मजे लेने हैं खाली, नहीं मुझे, बट ये कि बच्चों की साइकिल्स वगैरह और ये सब चीजें मुझे लग रहा है कि डिफिकल्ट होंगी, दो बच्चों की साइकिल, बच्चों की चीजें सारी इतनी ज्यादा होती हैं, वो वहां पे कैसे उसमें, ये लोग यूज्ड टू भी नहीं है, इसलिए अब शायद अब जो फैसला है वो 80-20 पे रह गया, 80% ये है और 20% आयोनिक 5 नहीं है। आप मुझे बोलते हैं कि मैं पसंद करूं, और जब मैं पसंद करती हूं तो फिर बोलते हैं हां मेरा भी यही दिल था, तो मेरा यही आ रहा है दिल, तो आप तो बस ये 300 यूरो को मैं देख रहा हूं कि यार 300 यूरो देखे ना देखे, देखे भी तो क्या देखे, 300 यूरो देखे, 300 यूरो का मतलब है ऑलमोस्ट यार 1200 दिरहम का डिफरेंस है, तो फिर बड़ी गाड़ी भी के भी तो मजे लोगे ना, बट मैं ये ऑल इन ऑल बता रहा हूँ, मतलब इसकी इसकी हमें मेंटेनेंस भी पड़ेगी, उसकी मेंटेनेंस इतनी नहीं है मेरे ख्याल से, इलेक्ट्रिक गाड़ी इतनी मेंटेनेंस होती नहीं है, खास में इंजन ऑयल चेंज होता है ना, फिल्टर ऑयल चेंज, कुछ और चीज़ें, इसका इंजन ऑयल भी फिल्टर भी चेंज होगा 10,000 पे नारी मात्रा में, वो भी देखना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम एवरेज निकालें तो 350 की एवरेज पड़ जाएगी पर मंथ,
300 से 350 के बीच में। हाँ ये है कि ऑफिस मेरा आना जाना फिर भी फ्री रहेगा इलेक्ट्रिक मोड पे, तकरीबन ये 48 किलोमीटर देती है जो मेरा आना जाना ऑफिस या क्लिनिक से जो है वो मुझे दे दिया करेगी डेली के। ऑफिस तो फ्री हो जाएगा ना? हाँ मतलब घर से चार्ज करके मैं ऑफिस ला जा करूँगा, बट वीकली हमारी जो राइड्स हैं वही बता रहा हूँ ना, वीकली राइड्स पे 300 यूरोस हमें पड़ेंगे एक्स्ट्रा, फाइनेंस प्लस पेट्रोल प्राइसेस जो है आजकल के हिसाब से महंगी होगी तो और महंगी। अच्छा आप एंड पे कोई अच्छा सा गाना डेडिकेट करें ना मेरे लिए। तुम्हारे लिए गाना है ओ सनम ओ सनम। नहीं नहीं मजे का गाना है, मुझे यही याद आ रहा है, गाने सुनते ही नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें गाना डेडिकेट करती हूँ, ठीक है आप सुनते जाओ, ठीक है ये गाना आपके लिए है, ठीक है। लेकिन वो अच्छा तो नहीं लगता ना, चीजें भी हमारी इतनी होती है इसकी रोड प्रेजेंस ज्यादा बेहतर है, ये ऊपर से नजर भी आता है, अच्छा मजा आता है। ढुली गाड़ी है, मतलब अच्छी स्पेशियस गाड़ी है आईएनएक्स 5 अंदर से, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके बाहर से प्रेजेंस भी बड़ी नहीं नजर आती है, बाहर से छोटी दिखती है ना कि उसकी व्हील बेस मेरे ख्याल से जो ऑडी की आ रही है कौन सी वाली है Q7 ऑडी Q7 की व्हील बेस रखती है वो, कौन आयोनिक 5 एसयूवी के बराबर की व्हील बेस है, व्हील बेस बड़ी है मतलब अंदर स्पेशियस इसलिए है, बट बाहर से उसका जो डिजाइन है वो शायद इस तरह से है कि देखने वाला बंदा कहता है छोटी शैली है, तो वो भी बड़ी बाहर से तो कंफर्म है वो छोटी लगती है, वो तो मुझे इसीलिए भी इसी वजह से अगर वो बड़ी लगती ना वो मैं थोड़ी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन भी है उसमें, हाँ वो सब फ्यूचरिस्टिक है, वो सब उसके उसके पॉइंट्स हैं, लेकिन पता नहीं अगर वो बड़ा कर लेते पिक्सेलेटेड जो उसके थीम्स हैं हर तरफ अच्छा लगता है, बड़ा कर लेते तो क्या चला जाता फिलहाल, हम नियो का वेट करेंगे फिर ये ले लेते हैं, नियो फिलहाल ये वाली नियो 7 आएगी, उसमें मसाज सीट्स भी है, तो फिर हम ऑफिस मतलब जाते मतलब मसाज गाड़ी में ही रहेंगे, हां मैं मसाज कराया करूंगा आते जाते ऑफिस मतलब में। आपने घर नहीं आना और वो प्योर इलेक्ट्रिक भी है और उसकी रेंज भी अच्छी है, एक और उसमें आ रही है नई चीज के बैटरी स्वैप्स आ रहे हैं उसमें, तो आपको अगर घर पे चार्ज करना है तो घर पे चार्ज करो, बाहर से मतलब जो आपके चार्जर्स हैं उनसे चार्ज भी कर सकते हैं। अच्छा ये जो यहां पे इतने बटन्स हैं इनका क्या है? ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कॉकपिट में बैठा हूं, इतने बटन होने नहीं चाहिए वैसे गाड़ी में, मतलब पर्सनल प्रेफरेंसेस होती है, लोग कुछ पसंद करते हैं कि आप बटन दबाओ, ये रिलैक्सेस में भी है अच्छे लगते हैं प्यारे लगते हैं, लेकिन बट मुझे ये है कि भाई तो यार गाड़ी जो है ना वो फ्यूचरिस्टिक हो, हर चीज इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हो, पैनल से कंट्रोल्ड हो, जैसे टेस्ला मतलब एक अच्छा जबरदस्त उसका सिस्टम है, हर चीज बहुत जबरदस्त है, बट टेस्ला का प्रॉब्लम ये है कि वही बात कि जो कार है जो इस प्राइस रेंज में आती है जो हम ले सकते हैं वो मुझे चाहिए थी सलून से, और जो बड़ी है उसकी चले फाइनल करते हैं फिर आप सबको भी अपडेट करेंगे, ठीक है। वैसे तो हमने आईएनएक्स 5 बुक कर रखी है, बात वो है वो ऑलरेडी हमारी मार्च में डिलीवरी है उसकी, बट ये कि मैं सोच रहा हूँ उसको चेंज करके ये ले लेते हैं, देखो सारा व्यू नजर आता है यहाँ से, हमने व्यू भी देखना होगा ना, नहीं उसका ऊपर का व्यू नजर नहीं आता, जैसे यहाँ से आप देखे यहाँ से हम जा रहे हैं तो हमें ऊपर का सारा व्यू कुछ जब तक वो न्यू वाली नहीं आती। देखो यहाँ से सारा व्यू ऊपर का दूर तक नजर आता है, लेकिन सिर्फ उसका ये है दूसरी का वो छोटी लगती भी है और छोटी यहाँ से बैठ के मजे की बात ये है कि ये जो दूसरी चला रहे थे मिशुबिशी वाली 2.0 डीजल, ये 1.6 पेट्रोल है, और ये पेट्रोल जो है उसमें इसकी कंजप्शन अगर हम खाली पेट्रोल भी देखें तो इसकी कंजप्शन बड़ी अच्छी है, ये तकरीबन 7.6 7.8 मैक्सिमम अगर हम पेट्रोल ओनली पेट्रोल में भी चलाएं तो उतना दे देती है, तो हाइब्रिड के साथ अभी हम घर से निकले हैं देखते हैं वापसी पे हमें हाइब्रिड ऑटोमेटिक हाइब्रिड मोड में कितना देती है, चलें वापसी पे फिर एक क्लिप ऐड कर लेंगे क्या अभी क्या है, ठीक है तो मैंने पिक्चर्स ले लिए मैं दे दूंगा पिक्चर्स।
Thank you.